24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा रायगढ़ में बीसम कटक में 22.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अगर हम बात करें हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर की, मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग कल के मुकाबले सब जगह, जो अगर हम बात करें कि आज का जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब कल का मैक्सिमम टेम्परेचर काफ़ी जगह पर फॉल किया है क्योंकि क्लाउडी वेदर रहा है, आज फिर से बढ़ने की संभावना है। हाईएस्ट मैक्सिमम जाजपुर का 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भुवनेश्वर का 29.8 डिग्री सेल्सियस, कटक का भी 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर हम बात करें उड़ीसा के ऊपर डायरेक्टली फिर कोई सिग्निफिकेंट सिस्टम नहीं है, लेकिन एक साइक्लोनिक सर्कल जो कि साउथ छत्तीसगढ़ और नेबरहुड पे समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर लाई करी, उसकी वजह से आज भी साउथ उड़ीसा में उड़ीसा के कुछ जगह पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और अगले 5 दिन तक उड़ीसा में लाइट टू मॉडरेट रेन थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है। जिस तरह की डे वन की बात करें तो साउथ उड़ीसा अगर करें तो वहाँ स्कैटर्ड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और हमारा जो नॉर्थ उड़ीसा है वहाँ पर एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार डे वन आज के दिन 10 डिस्ट्रिक्ट साउथ उड़ीसा के नुआपाड़ा, बोलांगीर, कंधमाल, गंजम, गजपति, रायगढ़, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरबा, मलकानगिरी में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। इसके बाद 3 तारीख को भी लगभग ज़्यादातर उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने की संभावना है और गस्ती सर्वर विंड स्पीड जो कि 30-40 के एमबीएस रीच कर सकती है, उनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल मयूरभंज, केवंझर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, गजपति, रायगढ़, कोरबा, मलकानगिरी, नवरंगपुर, नुआपाड़ा और बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट शामिल है, यहाँ पर येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार 4 तारीख को भी कोस्टल उड़ीसा और मयूरभंज के अंदर में गस्ती सर्वर विंड स्पीड रीची 30-40 kmph, तो वहाँ पे येलो वार्निंग दी गई है, प्लस थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक दो स्थान पे होने की संभावना है, उसमें हमारे कोस्टल उड़ीसा पूरा और साउथ उड़ीसा, साउथ इंटीरियर उड़ीसा, अनुगुल, केवंझर, मयूरभंज, ढेंकनाल, ये सब डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहाँ पे येलो वार्निंग दी गई है। डे 4 यानी कि 5 तारीख को भी कोस्टल उड़ीसा, रायगढ़, कोरबा, मलकानगिरी में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक दो स्थान पर होने की संभावना है, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। 6 तारीख को भी बालासोर, भद्रक, जाजपुर, बट कटक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, रायगढ़, कोरबा, नवरंगपुर, मलकानगिरी में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ विद लाइटनिंग होने की संभावना है, इसलिए आइसोलेटेड प्लेस पर येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम बात करें हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर की, मैक्सिमम टेम्परेचर अगले 4-5 दिन तक ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है, उसके बाद तापमान स्लाइटली राइज करने की संभावना है, भुवनेश्वर का तापमान 37-38 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। गंजम समाचार आपणकर लेटेस्ट खबर पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु गंजम समाचार फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पेज को। अधिक तथ्य पे विजिट करंतु आम वेबसाइट www.ganjamsamachar.com।